गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। सर मैं आज मैं बताऊंगा डायबिटीज मेलिटस के बारे में। डायबिटीज मेलिटस क्या है? इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोज यूरिया। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन या तो मुकम्मल तौर पर नहीं बन रही होती या बन रही होती तो कम मिकदार में बन रही है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और दूसरा जो है यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है अगर ये बेसिकली जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। टाइप वन जो होता है वो बच्चों में होता है, यानी उसमें इंसुलिन मुकम्मल तौर पर नहीं बन रही होती। टाइप टू जो है उसमें इंसुलिन बन रही होती है लेकिन कम मिकदार में बन रही होती है। तो कम मिकदार में बनने की वजह से जो है वो फिर जो है वो चूंकि इंसुलिन की कम मिकदार बनती है तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं होता। तो ये जो है इसमें फिर इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, नासाब पे असर पड़ता है जिसको पोली इसको न्यूरोपैथी कहते हैं, उसके बाद आंखों पे असर पड़ता है जिसको रेटिनोपैथी कहते हैं, और किडनी पे अफेक्ट पड़ता है उसको जो है नेफ्रोपैथी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।